So our today's topic of discussion is centrifugal pump. As you can see, this is the diagram of centrifugal pump. सेंट्रीफ्यूगल पंप को पढ़ने से पहले हमें सिंपल पंप का पता होना चाहिए कि पंप क्या चीज़ होती है। एक्चुअली पंप एक हाइड्रोलिक मशीन होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब हम आ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप पे। अब सिंपली सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है, अगर हम जनरली पंप की भी बात कर लें तो उसका काम होता है पानी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना। अगर बेसिक डेफिनेशन पर सेंट्रीफ्यूगल पंप की पे आ जाएं तो इसका काम होता है टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर हेड। इन सिंपल वर्ड्स, ये पानी को लो लेवल से हाई लेवल तक लेके जाता है। अब इसके पार्ट्स को डिस्कस करें तो ये वाला पाइप जो होता है, इसका सक्शन पाइप होता है, सेंटर में इसका इंपेलर आता है, इंपेलर के इर्द गिर्द जो होती है वो केसिंग होती है, जो ऊपर साइड पे जाता है उसको कहते हैं डिलीवरी पाइप। सिंपली हम कहें तो सक्शन पाइप जो होता है पानी सक करता है, पानी को इंपेलर में लेके जाता है, इंपेलर घूमता है और डिलीवरी पाइप के जरिए पानी आपका रिक्वायर्ड पॉइंट पे या लेवल पे चला जाता है। अगर एक एक पार्ट को डिस्कस करें तो जो सक्शन पाइप होता है वो आपका पानी के अंदर होता है। एज यू कैन सी उस पर लिखा हुआ फुट वाल्व और स्टेनर, इनका काम होता है जो पानी के अंदर आपकी गंध वगैरह है, जो पत्थर वगैरह है, लकड़ी वगैरह है, उनको केसिंग के अंदर जाने से रोकता है। उसके बाद आ जाता है जी इंपेलर और केसिंग। पहले हम करेंगे इंपेलर को डिस्कस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंपेलर्स। एक होता है जी ओपन, दूसरा जी सेमी ओपन और तीसरा क्लोज्ड। जैसे हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप के पार्ट्स को डिस्कस किया है, हम इंपेलर्स के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे ताकि उसके सारे फंक्शन की हमें समझ आ जाए। जो इंपेलर के सेंटर में ये जो आई नज़र हमें आ रही है, इसको हम कहते हैं बोर। जो शाफ्ट होती है वो इसके साथ कनेक्ट होती है और वो इसको घुमाती है, और जो ये ब्लेड्स होते हैं इनको हम कहते हैं वेन्स, और जो गैप बिटवीन वेन्स होता है उसको हम कहते हैं चैनल्स। और जिस प्लेट के ऊपर ये ब्लेड्स यानी वेन्स लगी होती हैं उसको हम श्राउड कहते हैं। क्योंकि ये सेमी ओपन है, इसमें एक प्लेट लगी होगी तो वो इसके बैक पे होती है, उस बैक प्लेट को हम कहते हैं श्राउड्स। और जब आप ओपन की बात करेंगे तो इसमें कोई श्राउड्स नहीं होगा, सिर्फ वेन्स और इसका बोर होगा। और जब हम क्लोज की बात करेंगे तो सेमी ओपन के एक प्लेट होती है तो क्लोज के दो श्राउड्स हो जाएंगे, यानी दो प्लेट्स होंगी उनको दो श्राउड्स होंगे, दो श्राउड्स के दरमियान इसकी वेन्स होंगी और आपको वेन्स फिर नज़र नहीं आएंगी, वो क्लोज्ड इंपेलर हो जाएगा। अब हम वापस आते हैं जी सेंट्रीफ्यूगल पंप पे। इंपेलर हमारा क्लियर हो गया। जब पानी सक्शन पाइप से इंपेलर में आता है तो वेन्स जो हैं सबसे पहले आई में जाता है, आई जो है पानी को भेजती है वेन्स में, वेन्स से पानी ऐसे जब इंपेलर घूमता है तो वो केसिंग से होता हुआ आगे जाता है डिलीवरी पाइप में। डिलीवरी पाइप का डायामीटर जो है वो बड़ा होता है सक्शन पाइप से, इस वजह से क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी को कम कर देता है जिसकी वजह से उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है। आई थिंक इट्स इनफ।